শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पति पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षदों के पावन जीवन गाथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। भगवान जब आते हैं अपने पार्षदों को साथ लेकर आते हैं, सृष्टि उनकी है, ओतप्रोत रूप में भगवान समस्त वस्तु पदार्थ के भीतर भगवान है। ऐसा कोई वस्तु पदार्थ है नहीं जहां भगवान की सत्ता है नहीं। हमको पता नहीं है, हम जानते नहीं है, इसलिए मालूम होता है। जैसे भगवान कोई लोक में भगवान है, हम कहीं हैं, नाम तो सुने हैं भगवान नामक कोई है कोई, लेकिन विश्वास तो ऐसा होता भी नहीं है। जैसे हमारे दुख दर्द भगवान कभी देखते भी नहीं, सुनते भी नहीं, ना है तो सुनते नहीं, नहीं है तो ये हमारे कल्पना है। भजन करते हैं वो भी, सब कोई कहते हैं चलो भगवान है, शांति मिलती है, भजन करने से शांति मिलेगी। बस संसार में तो दुखी होकर हम अनादिकाल से घूम रहे हैं, सभी शांति अनुसंधानकारी हैं, सभी शांति चाहते, आनंद चाहते हैं। प्राणी मात्र ही आनंद अनुसंधान में तत्पर है, आनंद बिना वो रह नहीं सकता है। चाहे कितने भी दुखी हो, कितने भी वंचित हो, कितने भी वो असमर्थ हो, लेकिन वो शांति अनुसंधान से वो कभी विरत तो नहीं हो सकता है। शांति उसको चाहिए, आनंद उसको चाहिए। जब स्वाभाविक रूप में शांति नहीं मिलती है तो उसका दुरुपयोग होता है, नाना रकम विरूप प्रक्रिया, नाना प्रकार दूषित प्रक्रिया, नाना प्रकार अवैध प्रक्रिया के माध्यम से आनंद पाना चाहते हैं। उसका दोष नहीं है, उसका दोष नहीं है, ये स्वभाव है जीव का, आनंद चाहता है, आनंद बिना रह नहीं सकता है। कैसे भी हो, ये शराबी ये क्या है, जब कहीं शांति नहीं मिलती है तो जाके शराब पी करके वो भूलना चाहता है समस्त दुख दरिद्र। मैं ग्राम दृष्टांत सुना, ग्राम्य सुनने में खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्यों हरी कथा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दृष्टांत बुरा नहीं मानना। ग्राम्य चर्चा तो होनी नहीं चाहिए यहाँ, क्यों यहाँ परमा, लेकिन ग्राम्य वार्ता ग्राम्य कथा वो एक दृष्टांत है हमारे लिए, वो दृष्टांत है, उसका हम अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों अभी हम भौतिक विषय में हम पूर्ण रूप से हम आकृष्ट है, भौतिक विषय भौतिक सुख हमारे अंतकरण व्यक्त होकर के रह रहे हैं, भौतिक सुख इच्छा इसको हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।
कहने का मन तो नहीं करता, फिर भी कहने की इच्छा भी होती है। एक ग्राम का था, हम लोग बुरा नहीं माने तो कहूँ हम तो नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी करते हैं। हमारे दोस्त, हमारे गहरा मित्र है, तो हमको बोलता है चल हमारे साथ थोड़ा सा घूम के आ जा, चल भाई यंग एज है। वो जा करके एक शराब की दुकान में घुस गया, हमने चमक गए, ये क्या तू शराब पीता है? बोलता है देखे ये शराब हम ये छोड़ के हम रह नहीं सकते हैं। छी 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 छी, तू हमको यहाँ जगह ले आया, अच्छा क्या करें, अच्छा तू पी ले हम यहाँ दूर बैठे हैं, वो तो पी लिया कलकत्ता शहर में, फिर वो तो नशे में एकदम मत हो गया, मत तो होकर मन की बात कहना शुरू कर दिया, जो कभी कहा नहीं पहले, हम जानते भी नहीं थे। हमसे गहरा मित्र है, हमारे परम मित्र हैं, एक साथ नौकरी करते हैं और सब हर प्रकार हमारे दुख दरिद्र सुख आदि हम शेयर करते हैं हमारे मित्र से। लेकिन ये गहरा जो अंतरंग विषय किया, हमको कभी वो शेयर नहीं किया, लेकिन उस दिन शराब में मत होकर सब गहरा अंतर्निहित सब गहरा गुप्त विषय हमको भड़बड़ भड़बड़ करके कहना शुरू कर दिया। ये देख मैं इसलिए शराब पीता हूँ। कहने की बात है, सभी चाहते हैं शांति, दुख कोई नहीं चाहता है, लेकिन ये दुख को भूलने के लिए एक गलत तरीका अपनाते हैं। चाहे कितनी वो दुखी और हो जाता है, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाता है, दुख तो और अधिक होता है बीच में से, और क्या होता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। कहने का मतलब है संसार में सभी सुख चाहते हैं, दुख कहीं नहीं चाहता है, लेकिन सुख पाने का जो उपाय है वो एक पत्र हरि भजन है, क्योंकि ये जीव चैतन्य सत्ता भगवान के अंश है, आनंद के अंश है, आनंद ही इनके स्वरूप है, और जब तक उस स्वरूप में उस्थित तो नहीं होता है, तब तक जाकर के आनंद अनुसंधान से विरत होना कदापि संभव नहीं है। विवश होकर आनंद के पीछे जब स्वाभाविक नहीं मिलता है तो दुरुपयोग शुरू हो जाता है। दुरुपयोग, पैसा नहीं है, आनंद के लिए पैसा चाहिए, भौतिक कोई भी आनंद तुम प्राप्त करना चाहो, भौतिक एकमात्र पैसा ऐसे वस्तु है, इसके द्वारा भौतिक सब आनंद तुम प्राप्त कर सकते हो। भगवान नहीं मिलता है, लेकिन भौतिक सब कुछ मिल सकता है पैसा के द्वारा। हाँ, ज्यादा पैसा कम पैसा, ज्यादा पैसा तो ज्यादा आनंद ले सकते हो, कम पैसा तो ऐसा है ना, पैसा चाहिए तो पैसा आनंद नहीं मिलता है, हमारे संसार में आनंद नहीं, घर में आनंद नहीं, कहीं आनंद नहीं, जिसका पैसा नहीं समाज जीवन में उसका कोई मान्यता नहीं, कोई उसका प्रेम नहीं करता है, फिर दुरुपयोग। अब पैसा कमाने के लिए चोरी डकैती अभी हो जाता है शुरू, दुरुपयोग। पैसा चाहिए क्यों, हमको आनंद चाहिए, आनंद के लिए पैसा चाहिए, ये बात है। सभी जीव आनंद चाहते हैं, लेकिन आनंद जहां जो आनंद है, जहां से उस आनंद का स्रोत है, जिस आनंद प्राप्ति जब तक नहीं होती है तब तक जा करके अनादिकाल तुम संसार चक्र में घूमते घूमते चौरासी लाख योनि में भ्रमण करते करते तुम यहाँ आए हो, यहाँ तक आए हो। सुंदर मानव तन तुमको भगवान ने कृपा करके प्रदान किया है, यहाँ तक आए हो, अभी तुमको आनंद प्राप्त करने का तुमको एक अच्छा स्रोत मिल गया है। तुम अगर तुम सही मार्ग सही दिशा लेकर के तुम चल सकते हो तो ठीक ठीक तुम पहुंच जाओगे। पहले तो कष्ट है, लेकिन पीछे तुमको परम शांति मिलेगी। और भौतिक सुख पहले तो आनंद है, लेकिन पीछे बहुत दुख है, बहुत दुख तुमको प्राप्त करना पड़ेगा। आपात मनोरम देखने में आनंद है, भौतिक सुख अनित्यम सुखम लोकमिम प्राप्त भजे समाम। ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है, अगर सुख पाना चाहते हो मेरा भजन करो, इसका कोई ऑप्शन नहीं, और कहीं सुख पाने का कोई उपाय नहीं है। धन कमाओ, कुछ भी कमाओ, भोग्य वस्तु दृश्यमान जागतिक समस्त भोग्य पदार्थ अगर पूंजी एकीभूत करके तुमको दिया जाए, फिर भी तुम तृप्त तो नहीं हो सकते हो, यह होता नहीं है। श्रीमद् भागवत में दिखा जाता है जजाति पक्षण में, जजाति पक्षण जहाँ जजाति अपने पुत्र के जो ऊपर ले करके
हजारों साल भोग करके भी तृप्त नहीं हुआ। फिर यह शिक्षा लोक शिक्षा के लिए भगवत ने भगवत महापुराण में जो भी कहानी हम सुनते हैं ये पीछे एक अच्छा एक ज्ञान देने के लिए ये ग्राम्य गीत जैसे लगता है, वास्तव में ऐसा नहीं है, ये तो अच्छा एक शिक्षा प्रदान करते हैं। फिर जजाति राजा बहुत दुखी होकर के जो दिखते हैं तो ये भोग के द्वारा कभी तृप्त तो नहीं हो सकता है। जैसे अग्नि में घी के द्वारा अगर चाहे कोई अग्नि को हम निर्वापित करेंगे तो कभी होता नहीं है, अग्नि और अधिक से अधिक प्रज्वलित हो जाता है और बढ़ता जाता है। तो भोग के द्वारा अगर वो भोगेच्छा का भोगेच्छा तृप्ति के द्वारा अगर वो चाहे जो हम भोग से निवृत्त हो जाएंगे कथा भी सम्मान और आगे बढ़ता जाता है। तो निवृत्ति एकमात्र भगवत उपासना ही निवृत्ति के एकमात्र उपाय है और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। फिर अपना पुत्र को अपना जौवन दे करके फिर संन्यास लेके चले गए ना, निवृत्ति एकमात्र भगवत उपासना ही ये संसार चक्र से निवृत्त होने का एकमात्र उपाय है, शांति पाने का एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय है नहीं। जजाति उपाख्यान में हमको ये शिक्षा मिलती है ना। तो भगवान इस संसार रचना किए, वो तो पुत्र रूप में समस्त वस्तु पदार्थ के भीतर भगवत सत्ता व्याप्त है, हम जानते नहीं है, हमारे भीतर बाहर उन्हीं की सत्ता है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्थिरगणं अपहनं च सर्वैर अहम् इव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदः च अहम्। हम जानते नहीं है, भगवान हमारे सबसे प्रियतम सबसे निकटतम हमारे सबसे मंगलकामी है। अगर इस सृष्टि में कोई हमारा मंगल चाहते हैं वो है हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट, हमारे राधा रानी, है ना। तो ये समझने का कोशिश करना चाहिए। इसलिए भगवान ये चेतन सत्ता को जगाने के लिए जो तुम भूल करके कहाँ घूम रहे हो, अनादिकाल अनंत काल घूमते घूमते तुम इस तरह से सुंदर मानव तनु प्राप्त किए हो भगवत कृपा से, ये भगवान की बहुत कृपा, सुंदर मानव तनु प्रदान किए हैं। मानव तनु ही नहीं, मानव तनु दिए हैं, फिर हमको सदगुरु पदाश्रय दिए हैं, उतना भी नहीं है, हमको वृंदावन धाम में लाए हैं, उतना भी नहीं, समस्त हमको समस्त सुविधा प्रदान किए हैं, खाने का चिंता नहीं, पहनने का चिंता नहीं, रहने का चिंता नहीं, सब प्रकार सुविधा दे दिए हैं। अभी भी हम कहते हैं हम दुखी हैं, इस जन्म में तो हुआ नहीं, आगे जन्म में देखेंगे प्रभु की कृपा होगी तो, क्या मूर्खता। अरे सब दे दिया है, अभी तुम्हारा हुआ नहीं, उनसे शुभ दिन के इंतजार में तुम फिर इंतजार कर रहे हो, आगे जन्म में तुमको शुभ दिन ऐसे आ जाएगी, उस दिन तुम खूब भजन करोगे, इससे बढ़कर मूर्खता और क्या है। सामने तुम्हारे सामने इतना सुंदर मौका तुमको दे दिया है, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये सुंदर मौका सुवर्ण सुजोग तुमको दे दिया है, तुम इसको दुरुपयोग कर रहे हो और कहे तो फिर आगे चल के हमको हम देखेंगे फिर कभी प्रभु की कृपा होगी, फिर हमको मानव जन्म, फिर आगे जन्म में हमको, इस जन्म तो गया, ये कितना बड़ा मूर्खता है। सब भरपूर कर दिया है, भगवान हाथ जोड़ देंगे, इसके बाद भगवान से प्रार्थना करोगे ना, हम दुखी हैं, भगवान हाथ जोड़ देंगे, भाई इससे सुंदर जीवन हमारे हमको प्राप्ति के लिए इससे सुंदर जीवन हमारे सृष्टि में है नहीं। जो जो भगवत प्राप्ति किए हैं तो देखो बहुत कष्ट स्वीकार करके बहुत दुखी होकर के, तुम्हारे जैसे इतना सुंदर जीवन उनको भी मिला नहीं। नरोत्तम ठाकुर जो महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद, नरोत्तम ठाकुर ब्रजवासी के लिए इतना पद रचना किए हैं, जो पद रचना हम कीर्तन करते हैं प्रतिदिन, उनकी प्रार्थना, नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है हमारे गौरी समाज में। कब वृंदावन जाएंगे, कब माधुकुड़ी करके खाएंगे, हैं ब्रजवासी के घर भर और हरि भजन करेंगे, कब हम गोविंद को निहारेंगे, ऐसे उनको आने का वृंदावन आने का मौका ही नहीं मिला, और कहां भेज दिया, मणिपुर, बंगाल नहीं, नवद्वीप धाम भी नहीं, एकदम मणिपुर, बोलो मणिपुर, वहां जाके प्रचार के लिए वहां भेज दिया उनको, और वहीं पर अपने प्रचार कार्य में लग गए हैं, और वृंदावन की चिंता करके, वृंदावन की चिंता करके कितना कितना सुंदर पद रचना किए हैं।
আর তুমি ভগবান ইত্যা সুন্দর মানব তনু দে দিয়া ইত্যা সুন্দর বুদ্ধি বিচার দে দিয়া গুরু পদাশ্রয় সে লেকার কে সমস্ত সুখ সমৃদ্ধি সমস্ত ভজন করার কা সমস্ত উপকরণ তোমার সামনে মৌজুদ হ্যায় ফির ভি তোমারা মন ইধার উধার ভাগ রহা হ্যায় আর উসি মে তুম তৃপ্তি পানে কে লিয়ে তুম উসকো আপনে ইন্দ্রিয় কো তৃপ্তি কে লিয়ে তুম ভাগ রহে হো তো ইসসে দুর্ভাগ্য আর ক্যা হ্যায় কষ্ট তো হোগা লেকিন महत सान्निध्य में रह करके इसको संयमित करके आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना ही सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता है ना। खैर हम ये आसन में बैठ के कह रहे हैं, ये तो आसन ऐसा है, यहाँ तो सत्य बोलना पड़ेगा, यहाँ तो हम झूठ कह नहीं सकते। खैर हमारे वहाँ पोस्ट नहीं है, फिर भी हम कहेंगे तो सत्य शब्द कहेंगे। ये आसन ऐसे हैं, यहाँ झूठ हम कह नहीं सकते हैं, है ना। तो भगवान युग युग में आते हैं, इस कली युग में भगवान वो प्रेम वस्तु वो निवृत्त निकुंज लीला विलास माधुरिमा के जो चरम निर्जास वो प्रेम माधुरिमा के चरम निर्जास वो वस्तु प्रदान करने के लिए इस कली युग में महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। पात्र पात्र विचार नहीं, जहां तहां जैसे तैसे ये वस्तु जो कि कभी कोई युग में कभी कोई भगवत अवतार ये वस्तु कभी प्रदान नहीं किए हैं। ये मंजरी भाव उपासना पद्धति भावोल्लासरती महाप्रभु ये भावोल्लासरती प्रदान किए हैं राधा रानी के सहचरी और प्राण सखी नित्य सखी जो और जितना सखियां है राधा रानी के अंतरंग सखियां है जो राधा रानी के समस्त सुख संपादन करती है समस्त सखियां है ब्रज लीला में वृंदावनी लीला में। लेकिन ये नित्य सखी जो यहाँ से गुरु कृपा प्राप्त करके जो साधन करके राधा रानी की कृपा प्राप्त जो मंजर स्वरूप उसमें सिद्ध हो जाते हैं उस स्वरूप में जा करके विलय होकर के राधा रानी के निवृत्त निकुंज सेवा प्राप्त होने का प्राप्त करने का जो उसको कृपा मिल जाती है ये बड़ी दुर्लभ सुदुर्लभ ये मिलना बहुत कठिन है। लेकिन ये सुदुर्लभ वस्तु महाप्रभु अति सहज करके इस कली युग में कलिहत जीव नाना प्रकार वासना कामना नाना प्रकार अशेष दुर्दशा ग्रस्त मानसिकता संपन्न जीव नाना प्रकार अशेष विशेष दूषित चित्त वृत्ति जहाँ कोई शुद्ध भावना के बहुत ही अभाव है ऐसे चित्त वृत्ति लेकर के कैसे हम भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करेंगे। अपने हृदय में हाथ रखो, देखो कितना वासना कितना विषय की कितना तरंग कितना भोगेच्छा हमारे भीतर विद्यमान है। संभव है लेकिन महाप्रभु सहज कर दिया, सहज कर दिया, अति सरल कर दिया। कैसे भी हो तुम्हारा वासना कितने भी दूषित हो, तुम्हारे अंतकरण वृत्ति कितने भी दूषित हो, तुम्हारे संस्कार कितने भी खराब हो, लेकिन तुम एक बार भगवत चरण शरणागत हो जाओगे तो भगवान कहते अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मार्जिच। हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता मत करो। इतना इतना भगवान अभय मंत्र दे रहे हैं, फिर भी तुम इतना इतना सुंदर सुजोग पा करके भी हमारे मन जब ये भगत भजन में लगता नहीं है, भजन करने के लिए हमारे हृदय में किंचित मात्र स्थान नहीं है, हमारे कोई आग्रह नहीं है, हमारे कोई इच्छा नहीं है, तो इससे दुर्भाग्य और क्या है। भोगेच्छा तो पशु जीवन में अनंत काल तो ये भोगी तो एक पत्र जीवन जो है ये अमीबा से लेकर के और मनुष्य तक स्वाभी तो ये भोग भोग में ही लगा है। बस उनका जीवन शैली क्या है, पशु पक्षी कृमि कीट से लेकर के मनुष्य तक उनका एक पत्र कर्म चेष्टा भोगेच्छा। हम नौकरी करते हैं किस लिए, कमाई करते किस लिए, पैसा चाहिए, पैसा किस लिए चाहिए, न इंद्रिय तृप्ति के लिए, हमारे जो विषय आशा है हमारे विषय के प्रति लालसा तृप्ति के लिए कमाई करते हैं किस लिए, इसलिए संसार रचना करते हैं किस लिए, भोगेच्छा के लिए। देखो पीछे हमारे वही सुखेच्छा ही हमारे कर्म चेष्टा के एकमात्र कारण है। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के पीछे हमारे एकमात्र कारण है। खूब अच्छे करके अनुसंधान करो जी, एक कर्म क्यों कर रहे हैं, देखना ढूंढते ढूंढते देखोगे एकमात्र सुख इच्छा, हमको सुख मिलेगी, नहीं तो हम करेंगे ही नहीं ऐसा कर्म, है ना। तो ऐसे भगवान ने कृपा करके इस कली युग में कलियुग जीव के लिए सहज सरल सुगम पंथ प्रदान किए हैं। जो अगर तुम थोड़ा सा
भगवत चरण में शरणागत होकर के तुम सुरासा नाम को आश्रय करके नाम कीर्तन करते रहो तो अति सरल अति सहज तुम भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। नाम हुई सर्व पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्व मुक्ति साधन उद्गम कृष्ण प्रमोदगम प्रमान्वित आस्वादन कृष्ण प्राप्ति सीमान्वित समुद्र मज्जन। ये महाप्रभु कहते हैं नाम हुई सर्व पाप संसार नाशन। अगर श्रद्धा पूर्वक हमारा भजन होता नहीं है, हमारी चित्त वृत्ति शोधित है नहीं, हमारे अंतकरण बहुत दूषित है, नाना प्रकार भोग वासना में हमारे हृदय अत्यंत ग्रासित है, हमारे तीव्र श्रद्धा गुरुचरण में भगवत चरण में है नहीं, अशेष विशेष भोग वासना हमारे हृदय को ग्रासित कर रहे हैं, इस स्थिति में हम क्या करेंगे? बोलता कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तुमको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। एतान निर्विद्ध मानना इच्छता अकुत भयम योगी निपुण निर्णीताम हरि नमान कीर्तनम। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं तुमको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, हरि नाम संकीर्तन करो, कलि युग में हरि नाम केवल हरि नाम केवल हरि नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम कलौ नस्तैव 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 गतिरन्नता। तीन बार कह रहे हैं नस्ति एव न अस्ति एव न अस्ति एव और कोई उपाय नहीं, न अस्ति एव और कोई उपाय नहीं, बस करी जी हरि नाम, हरे नाम को हृदय में धारण करके नाम तो करते रहो कम से कम, इतना तो करो, इतना सरल उपासना और इतना सरल उपासना कोई युग में भगवान ऐसे सरल सहज उपासना पद्धति कभी प्रदान किए नहीं है। अलग अलग युग में हजारों साल तपस्या करते करते सब जीवन को नष्ट कर देते थे, फिर भी भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते थे पहले। कृत जब ध्याति विष्णु तेतः जजति मुखी दापरे परिचर्य कलो तद हरि संकीर्तना। इतना सरल उपासना कलि युग में, लेकिन दुर्भाग्य जी इतना भी करने के लिए तैयार नहीं, थोड़ा हरि नाम करो, थोड़ा एकांत में बैठ करके थोड़ा हरि नाम करने का कोशिश करो, जब भजन करोगे जब नाम करोगे तब ऐसे चिंतन कर लेना जो हम तो जित एक घंटा दो घंटा तीन घंटा जो भी भजन करेंगे चिंता करना जो हम दो घंटा भजन करते हैं ठीक है, तो 22 घंटा हम संसार के लिए दो घंटा हम भगवान के लिए समर्पण कर देते हैं, ये दो घंटा जीवन हम भगवान के लिए समर्पित हो, इस दो घंटा अगर कोई मर भी जाए संसार जल जाए आग लग जाए हम पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं, क्यों? ये दो घंटा हम भगवान के लिए समर्पित है, ऐसा भावना लेकर के तुम भजन करके देखो, ऐसा तो नहीं उसमें भी हमारा मन इधर उधर भागता है, दुनिया भर की चिंता लेकर के थोड़ा माला कर रहे हैं, घड़ी दिख रहे हैं, ये करना है वो करना है, यहाँ जाना है वह जाना है, उसमें भी हमारे दो घंटा वो भी समय हम ठाकुर जी के लिए दे नहीं पाते हैं, है ना। तो कलियुग में केवल हरिनाम हरिनाम कोई भी संप्रदाय अंतर्भुक्त होकर तुम भजन करो, हरिनाम ही साधना हरिनाम ही साध्य है ना। तो महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में नाम को आगे करके आए हैं वो वस्तु प्रदान करने के लिए, जो निभृत निकुंज विलास माधुरिमा जहाँ राधा कृष्ण निभृत निकुंज में जहाँ राधा कृष्ण जुगल विलसित अवस्था में जो प्रेम रस आस्वादन करते हैं वो रस आस्वादन कराने के लिए इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, है ना। और बहुत सरल पात्र पात्र विचार नहीं, ये नहीं ये पात्र होने से तब जाके ये साधन प्राप्त कर सकते हैं, ये पात्र ऐसा नहीं है, कैसे भी हो तुम कैसे भी हो कुछ भी कैसे पापी हो अभिचारी व्यभिचारी कुभिचारी कदाचारी कैसे भी हो एक बार शरणागत हो जाओ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभाविन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तुम सर्वतोभावे उनकी शरणागत हो जाओ,
फिर उनके कृपा से, तुम्हारी चेष्टा से नहीं, तत्प्रसादा उनकी कृपा से तुम परम शांति पद प्राप्त करोगे। तुम सिर्फ शरणागत हो जाओ। अहम तं सर्व पापी विमोक्षयिष्यामि, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे। चाहे तुम कितने भी अभिचारी व्यभिचारी हो, उपेक्षित शूद्र आचार हो, भजते माम अनन्य भाव साधु रव सम्मन्तव्य सम्यक् भवसित हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सशच्छन्ति निगच्छति कौन्तो प्रतिजानिहि न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त, मेरा शरणागत भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, हम उसको नष्ट होने कभी देते नहीं है। मेरी प्रतिज्ञा है, मैं भक्त वत्सल हूँ। भक्त को हम सर्वदा रक्षा करते, अभय देते हैं। मेरे शरण में जो आता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। ये अभय मंत्र किसके लिए? अपेक्षित शूद्र आचरो, अति दुराचारी साधक जो है उनके लिए कहा गया है। सदाचारी, समस्त सद्गुण संपन्न, भजन निष्ठ, समदोष वर्जित, ऐसे के लिए भगवान ये शब्द नहीं कहे हैं, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे। मैं प्रतिज्ञा करके, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। ये शब्द सदाचारी भक्त के लिए नहीं, ये शब्द सद्गुण संपन्न भक्त के लिए नहीं, ये शब्द भजनशील समस्त दोष वर्जित साधक के लिए नहीं, ये शब्द अति दुराचारी जो है उसके लिए शब्द कहा गया है। ये भी अगर मेरे शरण में आता है, हम उसको समस्त पाप से मुक्त कर देते हैं। कम तो प्रतिज्ञा, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त, मेरा शरणागत भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, हम उसको नष्ट होने नहीं देते हैं। एक बार शरणागत हो जाता है तो फिर मान लो भगवान उसको अपना लेते हैं। ये नहीं जो कदाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कदाचारी, ये ऐसे भक्त जो है, ऐसे साधक जो है, भगवान उनको शरण में नहीं लेते हैं। ऐसे कोई शास्त्र हमारे सनातन धर्म में, कोई पुराण में कहीं ये शब्द है नहीं जो इतने पाप करने से भगवान उसको अपने शरण में नहीं लेते हैं। कोई है तो हमको कह देना, हम कान पकड़ लेंगे। ऐसा है ही नहीं। क्यों? भगवान की सत्ता है ना, भगवान देखते ही नहीं है अविचारी व्यभिचारी। माया, जब तक ये माया में लिप्त हो गया है, अपने स्वरूप भूल गया है, जो मैं भगवान से हमारा नित्य संबंध, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, बस दुनिया से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हमसे आत्मिक संबंध, मैं चिन्मय हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं मायातीत हूँ, मैं गुणातीत हूँ, मैं इंद्रियातीत हूँ, मैं सुंदर, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये मेरा परिचय है, सत्य है। ये भूल करके प्रकृति प्रदत्त चतुर्विंशति तत्व माया, इससे तदात्म होकर के शरीरधारी बन करके मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, बस ये गलत भावना, एक स्वप्नवत, अपने शरीर को स्वप्नवत, अपना स्वरूप भूल करके शरीर को अपना मान करके संसार चक्र में घूम रहा है अनादिकाल, ऐसे ना। इसलिए भगवान अपनी सत्ता चेतन को जगाने के लिए जुग जुग में आते हैं, आएंगे। इस कली युग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर आए हैं। अकेला हम कहां तक सबके चेतन सत्ता को जगाएंगे? सब चलो, एक साथ चलो, चारों ओर वितरण करो, सबके भीतर सुप्त जो चैतन्य सत्ता है सबके भीतर जगा दो, सबको ये प्रेम वस्तु प्रदान करो, स्थान काल पात्र विचार नहीं, देते रहो, देते रहो। महाप्रभु हाथी घोड़ा ऐसे हिंस्र जंतु जानवर को भी प्रेम प्रदान किए हैं। हम नहीं कहते, बोले आपका इष्ट है आप तो कहेंगे, हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास कहते हैं। अब इतिहास पढ़े हैं, पढ़िए है, देखिए सत्य है। महाप्रभु झारखंड में रास्ते में जब गए हैं ना, सब शेर भालू आदि सब हिंसा भूल करके महाप्रभु के अनुगमन किए हैं, सब भूल गए हैं। शेर हरिण का मुंह चाट रहा है, हरिण शेर का मुंह चाट रहा है, आप पशु पीछे पीछे जा रहे हैं, और बलभद्र और कृष्णदास दोनों से वक्त देखते जा रहे हैं, भय भी तो हो रहा है। महाप्रभु कहते चिंता नहीं, भय नहीं, चलो हमारे साथ देखो, ऐसे हैं महाप्रभु इस कलि युग में आए हैं। ऐसे करुणा करुणार्थ चित्त होकर के महाप्रभु इस कलि युग में आए हैं। करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसांश भक्ति स्त्रियम हरिपुराट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत पशु चिदंदन।
ऐसे करुणावती नकलो करुणा करके आए हैं, राधा कृष्ण जुगल मिली तो दोनों करुणा करके आए हैं वो वस्तु प्रदान करने के लिए। बोलते हम योग्य नहीं, नहीं उन्हीं का सत्ता है ना, तो हम तो देखते हैं भगवान, हम उस योग्यता है नहीं, हम तो भगवान से दूर है, भगवान तो ये देखते नहीं है, भगवान देखते वो तो हमारे साथ ही, हम उनके हृदय में है, वो भूल गया, वो जानता नहीं, वो मानता नहीं, लेकिन मैं तो हूं उनके हृदय में और सबसे निकटतम सबसे प्रियतम, वो जानता नहीं, जिस कारण दुखी होकर संसार में घूम रहा है। जिस दिन जान जाएगा मैं सबसे निकटतम हूं सबसे प्रियतम हूं, उस दिन संसार को भूल जाएगा, उस दिन शुरू होगा ठीक ठीक भजन, उस दिन भजन शुरू हो जाएगा, नहीं तो भजन होगा नहीं, होगा ऐसे क्रियात्मक क्रिया करते हैं, नाम करते हैं, मन रहता है ये करना है वो करना है, यह जाना है वो जाना है, कोई रंग नाम कर लिया, अच्छा रखो चलो आज का भजन हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो हमारे आराध्य विषय है महाप्रभु अपने पार्षदों को लेके आए हैं इस कलयुग में है? अपने आचरण करके शिक्षा प्रदान करने के लिए, जगत जी का चेतन सत्ता को जगाने के लिए आए हैं, समस्त पार्षदों को लेकर के, प्रधान पार्षद जो राधारानी के सहोदरी प्राण सखी रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, एक अष्ट गोस्वामी जो है ये राधारानी के प्राण सखी है, नित्य लीला से आए हैं। आज हम लोग आलोचना करेंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन चरित्र संबंध में। महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए हैं तो रंग श्रीरंगम में खूब रहे हैं, वहां वेंकट भट्ट नाम के एक बड़े अच्छे पंडित हैं, उनके एक 11 साल उम्र के एक बच्चा है, बड़े सुंदर परिवार, महाप्रभु उनके वहां जाकर के श्रीरंगम में जाकर के रंग जी के सान्निध्य में रह करके बड़ा आनंद आया, और वो ब्राह्मण भी आदर करके उनको घर ले गए हैं, जे प्रभु आप यहीं पर विराजमान हो जाइए, रहिए चतुर्मास आप यहीं रहिए। तो महाप्रभु स्वीकार कर लिए हैं, उनके सान्निध्य में रह करके चतुर महीना वहीं पर उद्यापन किए हैं। और वो जो छोटे बच्चा जो गोपाल है, गोपाल भट्ट है, गोपाल भट्ट महाप्रभु के सान्निध्य में रहती थी, महाप्रभु के सान्निध्य पा करके अल्प उम्र में ही उनका सुप्त चेतन सत्ता जाग गया है, पूर्ण ब्रह्म सनातन के जहाँ सान्निध्य है, जिनके दर्शन मात्र से जीव का चेतन सत्ता जाग जाता है, और उनके सान्निध्य में रह करके उनकी सेवा करना, चरण सम्मान करना, उनका झूठन खाना ये कितना सौभाग्य का सूचक है। तो उनके 4 महीना में वो बालक के भीतर ऐसे प्रेम प्रकट हो गया, अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण, ऐसे देख करके वेंकट भट्ट तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, देखो हमारे बच्चे के ऊपर कितना कृपा हो गई है। महाप्रभु तो वहां से चले गए दक्षिण भारत घूम करके, आप गोपाल भट्ट बोलते प्रभु आपको आप हमको ले चलो आपके साथ, हम आपके साथ हमको अच्छा नहीं लगता घर में, कहते हैं बेटा ऐसे नहीं, जब तक माता पिता है माता पिता के सान्निध्य में रह करके माता पिता का सेवा करो, माता पिता को प्रसन्न करो, माता पिता प्रसन्न होने से तभी जाके भक्ति सिद्ध होती है, जब तक माता पिता अप्रसन्न रहेंगे तो तुम्हारा भक्ति सिद्ध होना संभव नहीं है। इस जगत में माता पिता हमको आलोक दिखाए हैं, हम जो भी कुछ भी कर रहे हैं माता पिता का अवदान है ना, हमको माँ अपने जठर में हमको धारण किए हैं, कितना कष्ट शिकार करके हमको पालन किए हैं पोषण किए हैं, और वो माता के प्रति हमारे कोई कर्तव्य नहीं है, तो कम से कम ऐसा करो कि उनको दुखी मत करो, उनको सेवा करो, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके तुम फिर वृंदावन में आना, तुम्हारा समस्त तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी, ऐसा कह करके महाप्रभु आशीर्वाद करके तो नीलाचल चले गए, और अल्प दिन में ही भगवत इच्छा से वेंकट भट्ट उनके माता पिता दोनों सदाम चले गए। सदाम चले जाने के बाद गोपाल भट्ट एकदम व्याकुलित चित्त हो करके हा कृष्ण हा कृष्ण हा गोविंद हा माधव कहते कह करके एकदम उदास होकर चले आए हैं, उदार एकदम सीधा दक्षिण भारत से चले आए हैं वृंदावन में। वृंदावन में आकर के रूप सनातन आदि समस्या विराजमान है, गोपाल भट्ट को पा करके बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े दिव्य स्वरूप हैं उनके, बड़े अद्भुत आकर्षणीय शक्ति और उनके अंदर अद्भुत प्रेम चेष्टा देख करके रूप सनातन बहुत प्रसन्न हो गए हैं। आहा ये तो पूरा एकदम खिला हुआ फूल है, एकदम प्रेम जगत का जे खिला हुआ
फुल है। प्रेम प्राप्ति करने के लिए साधन करते हैं, एक प्रेम प्राप्त करके आए हैं, ऐसे बड़े आनंद से बड़े हृदय में लगाए हैं। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी कुछ दिन जाबट में वहाँ किशोरी कुंड है, वहाँ कुछ दिन भजन किए। भजन करने का बाद मन हुआ हम थोड़ा पशुपतिनाथ आदि जाएंगे, उत्तर भारत उधर थोड़ा सा दर्शन करेंगे। मन हुआ भगवत इच्छा तत्से थोड़ा कुछ प्रचार करेंगे, तो गए हैं उधर। घूमते घूमते वहाँ से गंडकी नदी में स्नान किए हैं, तो इतना बड़ा शालग्राम शिला आकर के उनका गोदी में लग गया, एक शालग्राम शिला गोल सबरा। अरे हम तो चिंता भी नहीं किए हैं, इच्छा भी नहीं किए हैं, शालग्राम हमारे हाथ में कैसे आ गया? और बड़ा शालग्राम शालग्राम, ओहो प्रभु की इच्छा। तो बड़े आदर करके छाती में धर करके मस्त में लगा करके बड़े आदर के साथ ले आए हैं। आते समय सहारनपुर के पास वहाँ एक जगह क्या नाम देवबंद जा करके वहाँ एक ब्राह्मण के घर में कुछ दिन रहे। दो एक दिन तो ब्राह्मण घर के वहाँ एक बालक था, नाम था गोपीनाथ। वो भी दिखते बड़े दिव्य, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का बहुत मन बहुत खुशी हो गया। कई दिन रहे, आशीर्वाद किए, तो वो भी ऐसे ही महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को जाने के लिए तैयार है, जे हमको ले चली यहाँ से, हमको संसार अच्छा नहीं लगता है, आपके साथ हम भी वृंदावन जा करके हम भी भजन करेंगे। बोलता है बेटा अभी नहीं, तो माता पिता की सेवा करो, सेवा करके फिर आ जाना, वृंदावन में हम मिलेंगे। तो शालग्राम शिला लेकर के तो आए हैं। आ करके अभी जो राधा रमन है वहाँ वहाँ पर तो शहर पर तो था नहीं उस समय जंगली जंगल था, क्योंकि अभी 550 साल लगभग 500 साल पहले वो तो पूरा जंगल था। उधर केशीघाट से लेकर मथुरा तक जंगली जंगल, उधर यमुना से लेकर के और चोटीगढ़ा तक पूरा जंगल था। हम भी जब आए हैं 45 साल पहले वृंदावन में, मैंने वो जो गुरुकुल रोड है ना, वहां से शुरू हुआ जंगल मथुरा तक दायना तरफ, वो जो मेन रास्ता जो मथुरा जाते हैं ना, उधर बायां तरफ पूरा जंगल, मथुरा रोड से बायां तरफ, दायना तरफ तो वो जो पगला बाबा का मंदिर ये सब है, बायां तरफ जंगली जंगल। हम जब 45 साल पहले की बात करते हैं, एक दिन जंगल में हम घूम गए, तो एक दिन बताए, एक दिन साधु दर्शन करने के लिए गए, जंगल में खो गए, संध्या के समय गए, रात 3 बजे तक जंगल में भटकते रहे, गिर गए एक नाला में, अति कष्ट करके प्रभात काल के थोड़ा पहले हमको रास्ता में आके कोई रकम जान बचाए हैं। 45 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उस समय कैसे जंगल था बताइए, ऐसे साधन करना तो सहज थोड़ी था। अभी का जैसे जहाँ जाओ वहाँ भंडारा, खाने का रहे चिंता नहीं, रहने का चिंता नहीं, एक कपड़ा चाहो 10 कपड़ा जाता है, एक कंबल का ढेरी लग जाता है, और उसमें फटा पुराना कपड़ा भी मिलता नहीं था। बड़े कष्ट से भजन करना बहुत कठिन था उस समय, है ना। तो वहाँ राधा रमन घेरा है जो वहाँ आकर के झोपड़ी बना करके रहने लगे। तो उस समय एक सेठ था, वो सेठ उनका ऐसे ही भावना ऐसी है, जहाँ विग्रह दिखते थे वो विग्रह का पोशाक बनाते थे, बड़े सुंदर सुंदर जाते थे मंदिर, कौन साधु के कौन विग्रह है माप ले करके वो पोशाक बना के वहाँ देते थे, उनका यही सेवा है। अच्छा विग्रह देखा, वाह बहुत सुंदर, लो इनका एक पोशाक बना दो। सुने हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े साधक है, बड़े हैं, नामी है, चलो इनका विग्रह देखेंगे, उनकी थोड़ा पोशाक बना देंगे। तो आए हैं, आकर के देखते हैं, ये प्रणाम किए, बाबा आपको विग्रह को थोड़ा दर्शन कराइए। तो दर्शन करिए, इतना बड़ा शालग्राम शिला, तो बोले दूर हमने आया है जो विग्रह, ये तो शालग्राम, इसका क्या पोशाक बनाएंगे हैं? और शेठ जी पोशाक बनाते हैं ठाकुर जी का, तो कुछ पोशाक दिखाया जाए, हम तो ऐसे पोशाक बनाते हैं, हम सोचे आपका विग्रह है तो हमारे मन में इच्छा हुई कि हम भी ऐसे विग्रह बना को पोशाक बना देंगे। तो वो पोशाक देख करके गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में ऐसे इच्छा हुई, आहा हमारे ठाकुर जी का, ठाकुर जी होते ऐसे तो हम कितना सुंदर सजावट करते, लेकिन हमारा तो शालग्राम शिला है,
चलो ठीक है, मन में ऐसा इच्छा हुई तो इच्छा हुई तो शेठ तो चले गए। सुबह उठ के देखते हैं वो जो शालग्राम है आधा हिस्सा राधा रमन बन गए, आधा हिस्सा तो शालग्राम रह गए, आधा हिस्सा उनका दिखा नहीं, जो दिखेंगे वो जानते हैं, पीछे हिस्सा पूरा शालग्राम और सामने हिस्सा राधा रमन। जगत को दिखाने के लिए पीछे ऐसा कोई कहना दे तो ये सब किंवदंतियां है, तो विग्रह ही है, कहते हैं शालग्राम से पैदा हो गया, तो इसलिए लोग जैसे ऐसा ना कहें। देखो शालग्राम से भगवान कैसे हैं अपने स्वरूप प्रकट करते हैं, ये जगत को दिखाने के लिए, ये शालग्राम ये कोई पत्थर नहीं है, साक्षात भगवान के स्वरूप है, ये लोग को दिखाने के लिए। सुबह उठ के देखते हैं बड़े सुंदर, अभी जो आप राधा रमन जी देखते हैं ना वही राधा रमन, और पीछे आप देखे नहीं, अगर कभी मौका हो तो देखेंगे उनके पीछे कोई शालिग्राम है, आधा हिस्सा शालिग्राम आधा हिस्सा राधा रमन, कोई बना भी नहीं सकता है ऐसा है। कोई कहते हैं ना ये बनाए हैं शालग्राम शिला से, ऐसा होता नहीं, क्यों, शालग्राम साक्षात भगवान है, उन पर अस्त्र प्रहार किया नहीं जाता है, अपराध होता है। अगर कोई सोचे कि शालग्राम को खोद करके बनाया है ऐसा संभव नहीं है, क्यों, शालग्राम साक्षात भगवान है, उसमें अस्त्र प्रहार किया नहीं जाता है। अभी जो रामचंद्र जी जो अयोध्या में जो बन रहे हैं ना, वो तो पहले ऐसे ठीक किए कि हम शालग्राम से बनाएंगे रामचंद्र, शालग्राम से कंडक नदी से ले आएंगे, तो बहुत भक्त समाज बहुत नाराज हो गए, बोले ऐसा होता नहीं है, शालग्राम भगवान का स्वरूप है, उनके ऊपर तुम अस्त्र प्रहार कैसे करोगे। ठीक है रामचंद्र जी भगवान है ठीक है, लेकिन वो तो साक्षात भगवान है ना, दिखने में पत्थर है तो पत्थर तो नहीं है, तो भगवान है। और क्या, वो राधा रमन जी है, आधा हिस्सा तो शालग्राम, आधा इतना बड़ा ऊंचा राधा रमन है, तो उसको कैसे लंबा बनाया, कैसे बताओ लंबा कैसे हो गया। अगर कोई कहे जो बनाए हैं वास्तव में प्रकट हुए हैं राधा रमन जी, स्वयं प्रकटित है। ऐसे हमारे सनातन धर्म में भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत सारे प्रमाण है, जो विग्रह बात करते हैं विग्रह चलते हैं बहुत, जैसे मान लीजिए साक्षी गोपाल है, आप जाइए साक्षी गोपाल, वो साक्षी गोपाल वृंदावन से चल करके गए हैं अपना जगन्नाथपुरी में, साक्षी गोपाल जगन्नाथपुरी के कुछ किलोमीटर पहले वृंदावन में, अभी जो गोविंद जी है ना उसके सामने उस साक्षी गोपाल के भग्नावशेष अभी भी है, छोटी छोटी ईटा का भग्न जहाँ गोपाल जी का मंदिर था, उस मंदिर से भक्तों ने उनको ले गए हैं जगन्नाथ। हमारे पूजित है आपका टोटा गोपीनाथ, गोपीनाथ बड़े बहुत विशाल लंबा विग्रह टोटा गोपीनाथ, तो गदाधर गोस्वामी उनको वृद्धावस्था में माला पहनने में बड़ा कष्ट होता था, कमर झुक गया ऐसे सीधा होकर के, बड़ी ऊंची है ना तो माला पहनने में बड़ा कष्ट होता था, तो दूसरे दिन ठाकुर जी कहते हम बैठ गए हैं ले आप तेरे को कष्ट नहीं होगा। विश्व में कृष्ण के एकमात्र मूर्ति है जहां कृष्ण बैठे हुए हैं, विश्व में और कहीं कृष्ण के ऐसे पद्मासन में बैठे हुए मूर्ति और कहीं नहीं है, एक ही विग्रह है टोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी में, और हमारे गुरु जी के सेवा है वहाँ, अभी भी हमारे गुरु जी के नाम से वो टोटा गोपीनाथ है, टोटा गोपीनाथ। तो ये विग्रह ऐसे हैं हमारे विग्रह है ना, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी तो विग्रह पा करके वहाँ मंदिर स्थापना की, और वो जो बालक है ना जो सहारनपुर के पास वो जो देवबंद से आए हैं वो आए हैं, आ गए हैं तो बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए इसलिए क्योंकि साधु जो है ना इनके आश्रम मंदिर ये महंताई ये त्यागी विरक्ति जो हरि भजन करना जो इसी जीवन में जो भगवत प्राप्ति करना जिनकी उद्देश्य है उनके लिए तो एकांतवास ये जरूरी है। जोगी जुन जित सतत आत्मनग्रह से स्थित एकाकी जत चित्त आत्म निराशिर परिग्रह, जोगी जो भजन करेंगे जंगल एकांत में रहेंगे जुंजी तो मन को लगाने के लिए सतत आत्मनंग मन को लगाने के लिए रहस्य स्थित माने एकांत में रहेंगे एकाकी साथ कोई नहीं रहेगा मन में कोई आशा नहीं रखेगा निराशी
अपरिग्रह कोई दान मान उपहार जैसा ग्रहण वर्जन ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि ये उपाधि है, ये बंधन का कारण है। इस तरह से भजन करेंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी आए हैं महाप्रभु के पार्षद, लोक शिक्षा के लिए आए हैं, इसीलिए अच्छा हुआ है गोपीनाथ को बोला है तुम पूजा भार संभालो, अब हमको थोड़ा एकांत में भजन करने दो, हम महाप्रभु के मार्ग निर्देशित मार्ग अवलंबन करके हमको लोक शिक्षा के लिए आए हैं, जिस कर्म के लिए हमने आए हैं महाप्रभु, जिस कर्म संपादन के लिए हमको भेजे हैं वो कर्म हमको करना है। तो उनको मंदिर का पुजारी बना दिया। उनका छोटा भाई भी कुछ दिन में आ गए हैं, उनका नाम है दामोदर। तो दामोदर आए हैं तो दामोदर उनके उनसे दीक्षा लेकर के फिर दामोदर को भैया ने बोल दिया तुम शादी करके अब ये गृहस्थ आश्रम रचना करो, रचना करके तुम ये सेवा भार निर्वाह करो, इस तरह से है ना। तो उन्हीं का ही वंश परंपरा अभी जो गोस्वामी जी गोसाई जी है ना गोपाल भट्ट गोस्वामी के वो चल रहे हैं ऐसे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां से चले गए हैं, कहाँ वहां से चले गए संकेत, संकेत में अभी भी उनके वो भजन कुटिया है। अरे वो संकेत में तो हम ही तो वो उसको तो संस्कार किए हैं अभी से कई साल पहले, वही गोपाल भट्ट गोस्वामी के भजन कुटी याद है, संस्कार किए हैं एक भक्त के द्वारा, अच्छा संस्कार, तो वहाँ भजन किए हैं। इस तरह से कभी कभी जाते थे और तत्सहित बहुत शिष्य भी किए हैं हमारे महाप्रभु को जो पार्षद है, सब शिष्य नहीं किए हैं, सब शिष्य नहीं किए हैं, सब भजन में ही लगे हैं। एकमात्र गोपाल भट्ट गोस्वामी आचार्य आचार्य पद ग्रहण किए हैं शिष्य परंपरा, और रूप सनातन इन लोग शिष्य किए नहीं है। ऐसे भट्ट रघुनाथ भट्ट भी कुछ दो चार किए हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी भी कोई शिष्य नहीं किए हैं, लोकनाथ गोस्वामी तो एक ही शिष्य किए हैं नरोत्तम ठाकुर, ऐसे ऐसे सब शिष्य नहीं करते हैं किए हैं, दिखाए हैं जगत शिक्षा के लिए, जो गुरु बनना सबके लिए नहीं है। आप तो गुरु बनते हैं, गुरु बन जाते हैं, स्वयं गुरु बन जाते हैं, स्वयं ही गुरु बन के जगत कल्याण के लिए लग जाते हैं। कोई हमारे आचार्य आकर के हमसे प्रश्न करें कि तुम जो गुरु पद में अधिष्ठित हुए हो, गुरु बने हो, तुमने इस पद पर किसने अभिषिक्त किया है, तुमको किसका आदेश पाकर के तुमने ये गुरु आसन में तुम बैठे हो, क्या परंपरा गुरु आचार्य ने तुमको यहाँ बैठाया है, क्या सब तो क्या जवाब दोगे तुम, ये परंपरा से होता है गुरुकरण। लेकिन अभी ऐसा नहीं, स्वतंत्र हो जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा दो फेरा माला करके गुरु बन जाते हैं, गुरु बन के हजारों चेला करते हैं, तो ना अपना कल्याण कर पाया तो दूसरा का कल्याण क्या करेंगे, दूसरे के तो कृपा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो कृपा शक्ति अपने ऊपर चलता नहीं है, अपने माथे भी थोड़ा हाथ धर के हमारे पति हमारा कृपा हो जाए, हमारे पति हमारी कृपा हुई नहीं, दूसरे को क्या कृपा करेंगे, है ना। इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने फिर रूप सनातन के सान्निध्य में रह करके फिर इस तरह से बहुत ग्रंथ प्रणयन किए हैं और तत्सहित बहुतों की शिक्षा प्रदान किए हैं। उसके बाद रूप सनातन आदि जब महाप्रभु के अप्रकट काल अल्प दिन ही उनकी विरह दशा में संतप्त होकर के नश्वर देह को परित्याग करके वृंदावन में स्वधाम चले गए, ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी भी महाप्रभु के आदर्शन से बिरहातुर होकर के वो वहीं पर आपका राधा रमन घेरा में उनके बगल उनके समाधि अभी विद्यमान है, पूजित हो रहे हैं वहाँ, अभी भी उनके समाधि विद्यमान है। तो ये उनके जीवन चरित्र गोपाल भट्ट गोस्वामी के पवित्र जीवन कहानी संबंध में किंचित आलोचना किए हैं। फिर हम लोग काल चलेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी संबंध में, बड़े सुंदर अद्भुत अद्भुत मनोग्राही अद्भुत जीवन चरित्र, जो भगवान भक्त कैसे होते हैं, उनके जीवन शैली कितना त्याग वैराग्य, कितना निष्प्रिय निर्लिप्त तो उदासीन होना चाहिए, भजन करने के लिए तीन वस्तु चाहिए, चाहे गृहस्थी हो चाहे वैरागी हो,
चाहे वो जंगल में रहे चाहे घर में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तीन वस्तु उनके अंदर हो, वह है निष्प्रियता, निर्लिप्तता और उदासीनता, ये होना चाहिए। यह है तो घर तुम्हारा, संसार तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा। और जंगल में रह करके भी अगर ये तीन वस्तु है, ये तीन वस्तु नहीं है, निर्लिप्त, निष्प्रिय, उदासीन, तो जंगल तुमको कुछ शोधन करने में समर्थ है। निष्प्रिय हो, निष्प्रिय माने जागतिक भगवत चरण छोड़ करके जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित आसक्ति नहीं, चाहन नहीं, चाहिए नहीं हमको। हमको एकमात्र इसी जन्म में हमको राधारानी की चरण प्राप्ति करनी है। अपना अपना इष्ट, हमारे राम जी के चरण हमें, हमारे एकमात्र जीवन के हमारे उद्देश्य बस राम जी ही हमको चाहिए। यह है निष्प्रिय हो, निर्लिप्त हो, लिप्त माने अब निष्प्रिय है लेकिन लिप्तता है, हम बहुत लिप्त होते हैं। निष्प्रिय होते हुए भी लिप्त होने का कारण कभी कभी भिक्षेप आ जाता है, हमारे प्रिय नहीं फिर भी हम लिप्त हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम रहते हैं, है ना, हम निष्प्रिय हैं लेकिन लिप्तता है, आते हैं जाते हैं, ये कहा इनका करो, ये भला करो, ये कहाँ रहेंगे वो करेंगे, इनको उपदेश करो, इनके ये करो, इसको हरि नाम दे, ये लिप्तता। हम निष्प्रिय हैं लेकिन लिप्तता का कारण भिक्षेप आ जाता है, और उदासीन भी हो नहीं पा रहे हैं लिप्तता के कारण, उदासीन हो नहीं पाते हैं। हम निष्प्रिय है लेकिन उदासीन ना होने का कारण हमारे भिक्षेप आ जाता है, हमारे भजन में बाधा आ जाती है ना। तो ये तीनों वस्तु चाहिए, निष्प्रिय, निर्लिप्त, उदासीन। बहुत कठिन बात है, गृहस्थी के लिए ऐसा होना तो संभव नहीं है, लेकिन कम से कम निष्प्रिय होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस हृदय में हमारे इष्ट छोड़ करके दृश्यमान जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित स्प्रिया नहीं, ये माया है, ये छोड़ के जाना है, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। हमसे राधारानी के, हमारे ठाकुर जी के नित्य संबंध है, ये संबंध कभी टूटता नहीं, टूट नहीं सकता है, किसी भी अवस्था में हमसे बिछोड़ नहीं हो सकता है, ये सत्य मान लो तो तुम्हारा साधन हो जाएगा। जय जय श्री राधेश्याम। हम लोग आगे बड़े सुंदर, बड़े मनोग्राही जीवन चरित्र रघुनाथ दास गोस्वामी संबंध में हम लोग भी कुछ आलोचना करने में कोशिश करेंगे। जय जय श्री राधेश्याम। काल होगा नहीं, काल ना परशु, क्योंकि काल हमारा अखंड हरिनाम संकीर्तन यहाँ सारी रात संध्या से लेकर के सारी रात, तो काल तो कथा होगी नहीं, परशु परशु काल कीर्तन है अखंड हरिनाम संकीर्तन। जय जय भगवान। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।